अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज मकामी खबरों पर तस्करा करते हैं। आज फिर मुसलसल बारिश से बाजार ठप नजर आया। बाहरी लोगों का शहर में न आने से महज दुकानों को खोलकर ताजिर ग्राहकों का इंतजार करते रहे, लेकिन कहीं पर भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा था। मुस्तकिल होती तेज बारिश से बाजारों में चहल पहल भी कम नजर आ रही थी। बेलगाम शहर के निचले इलाकों में फिर से पानी जमा होने की खबरें हासिल हो रही हैं। इस बार इत्मीनान की बात ये भी रही कि जोरदार बारिश से असद खान सोसाइटी, वीरभद्र नगर, पंजी बाबा में बारिश के पानी से जो बाढ़ जैसे हालात बनते थे, कहीं पर इस बार नजर नहीं आए और ये नजारा कहीं पर नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन ये नहीं कहते कि यही हालात मुस्तकिल हो सकते, क्योंकि बारिश भी मुस्तकिल जारी है। लेकिन इसी तरह अगर बारिश मुस्तकिल रही तो बेलगाम शहर एक बार फिर बाढ़ की चपेट में जरूर आ सकता है। शहर की सड़कों का जायजा भी लेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे महज कुछ ही दिनों की बारिश से होते हुए देखे जा रहे हैं। नए ब्रिज तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे ब्रिज हो या फोर्ट रोड ब्रिज या फिर कपिलेश्वर ब्रिज पर सड़कों की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। इससे यही साबित होता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर मियारी काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा, और कहीं तो इसमें रिश्वतखोरी की बू जरूर आ रही है। सड़कों पर कलरफुल लाइट के बिजली के खंभे तो कुछ ही दिन अच्छे लगते हैं, इसकी इफ्तिताह भी बड़े जोर शोर से की जाती है, पर धीरे धीरे ये चराग बुझने भी लगते हैं। आखिर इतनी जल्दी चराग बुझने की वजह क्या है, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। पर यहाँ हमाम में सब नंगे की तरह किसे सवाल पूछा जाए। खैर, जोरदार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश अभी शुरुआती दौर में है, अगर यही तेज रफ्तार रही तो बहुत बड़ी आफत का सामना बेलगाम और अतराफ की शहरियों को करना पड़ सकता है। हमेशा की तरह बेल्लारी नाले के अतराफ में तकरीबन 300 एकड़ खेती पानी की जद में आने की बात कही जा रही है। हर साल की बाढ़ से कई किसानों की फसल पानी के नीचे आ जाती है। आखिर इसका हल क्यों नहीं निकाला जाता। कई किसानों ने बेल्लारी नाले की सही देखभाल, नाले की खुदाई और इसकी मरम्मत करने से हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन पानी के नीचे आने से फसल भी बचाई जा सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बहरहाल बेल्लारी नाले की बाढ़ का जायजा एक बार फिर लिया गया। आवाम की भी जिम्मेदारी है कि कचरा इसमें ना फेंके। कचरा फेंकने से नाले में बहता पानी रुक जाता है। बेलगाम गोवा सड़क की हालत तो बेहद खराब है। चोरला सड़क पर बारहा हादसे भी होते देखे जा रहे हैं। जहीर देसाई ने इत्तेहाद न्यूज़ को सड़क के खस्ता हालत की वीडियोस भेजे हैं। इसी तरह बेलगाम निपानी सड़क किनारे तेज बारिश से पहाड़ से गिरते हुए झरने भी देख सकते हैं। कुर्ची, गोकाक, गुरचिनमलकी, सुंदी फॉल्स, किटवाड़ फॉल्स भी देखने लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही। लेकिन यहाँ आवारा नौजवानों की शरारत से आवाम बेहाल होने की भी तलाश हुई है। लिहाजा ऐसे शरपसंद अनासरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही। कुछ कॉलेज तलबा और कमसीन बच्चे भी नशे के आदि होकर ऐसी जगहों पर आवारा गर्दी करते हुए देखा जा रहा। ताज्जुब तो ये भी है कि अब कुछ लड़कियां भी अपने दोस्तों के साथ नशा करती पाई जा रही। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखे, ऐसा मुतालबा भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। कई सेल्फी या कुछ हद से ज्यादा जज्बाती होकर गहरे पानी में जाने से डूबकर कईयों की मौत होने की खबरों को कसरत से देखा सुना जा रहा है। माशरे की ये दो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है और इस पर नजर भी होनी चाहिए। जहां एक तरफ लोगों को पानी का मजा लेते हुए देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ घरों की छतों से गिरता पानी, टूटे छत, मिट्टी से तामीर शुदा गिरते मकान, जहां सोने के लिए सूखी जगह तक मयसर नहीं होती, वहीं अमीर लोग बाढ़ का मजा भी लेते हैं। जहां गरीब तेज और मुसलसल बारिश की वजह से इसकी आंखों में पानी आ जाता है, वहीं आसमान से तेज बारिश को देखकर कुछ लोगों को पिकनिक की सूझने लगती है। माशरे का यह फर्क भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। गली मोहल्लों में सब्जी बेचने वाले कई खवातीन जिनको कुछ रुपए देकर रेनकोट खरीदना मयसर नहीं होता, खैर यह फर्क जमाने से है और मौजूदा हालात में भी यह फर्क जारी है और यह फर्क और बढ़ चुका है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और बाजार भी बारिश की वजह से सर्द हो चुके हैं। मुस्तकिल गिरती बारिश को देख कई ताजिरों के गले सूखने लगे। अगर बाढ़ जैसे हालात रूनुमा हो जाते हैं तो एक बार फिर ताजिरों को बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। कोरोना से अभी कहीं उभरता ताजिर एक बार फिर बाढ़ से खौफजदा दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला से यह दुआ करे कि यह बारिश रहमत बनाकर बरसाए, ना कि जहमत। और वैसे में पूरा मुल्क कुदरत के निशाने पर आ चुका है। मुल्क का तकरीबन हिस्सा भी बाढ़ की चपेट में आया है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। और जब कुदरती आफतें आती हैं तो इसमें भी सबक होता है जिसे हम सबको समझने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, ये भी सच्चाई। आज हिड़कल डैम गांव में तेज हथियार के साथ कत्ल करने की वारदात पेश आई। परशुराम हलकरनी नामी शख्स की दो लोगों ने अंजनेय मंदिर के पास हमला कर जान से मार दिया। फिर दोनों कातिल खुद ही पुलिस थाने जाकर हाजिर हुए। दोनों के नाम मंजुनाथ और कैंपन्ना बताए जा रहे। शहर के ज्वलनगर इलाके में जोरदार बारिश की वजह से घरों में पानी दाखिल होने की वारदात पेश आई है, जिससे आवाम में इंतजामिया को लेकर खासी नाराजगी दिखी गई।
बेलगाम जिला संदती तालुका के हिरूर गांव में खेत में काम करने वाले दो किसानों की बिजली की तार छूने से जगह पर ही मौत हो गई। तेज बारिश के चलते बिजली की तारों के टूटने की भी वारदातें पेश आ रही है, लिहाजा आज किसानों की मौत से हिरूर गांव में गम का माहौल देखा गया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने वालों से भी गुजारिश है कि आपको भी कहीं पर बाढ़ के अगर फोटो वीडियोग्राफी अगर मिलती है तो वो जरूर इत्तेहाद न्यूज़ के इन नंबरात पर भेजें। इंशाल्लाह हम आपके इन वीडियोस को खबरों में शाया करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। घर के जरा घर में सांपा घुस रहे, घर में सांपा घुस रही, जरे छुट रही पानी के, क्या करना। बोलो, गया नहीं, कोरोना विरोना हुआ तो कौन योग करने वाले, हमें देखे तो गरीबा है, भांडे का उसको खाने वाले।